जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज आपको लेके चलते हैं जिमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुतुकापुरा, जहाँ एक गौ माता नदी में फंस गई है। आप देखिए वीडियो में किस प्रकार हम करते हैं उसका रेस्क्यू। अभी जा रहे हैं हम SDRF टीम को साथ लेकर। भाई जो जो गाय है जो कुआरी नदी में है तुतुकापुरा के नीचे है, फंसी है। दिमनी थाना जिला मुरैना, इसका कोई साथ ही नहीं दे रहा है। चारों बगल आदमी देख रहे हैं, और जो हमारे उपाध्याय जी जुगनू उपाध्याय ही ठाड़े हैं, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। एक गाय फंसी है नदी में, कृपा करके जल्दी से शेयर करें और उसे निकलवाएं। नाव को नदी में डाल दिया है, अब देखिए हम किस प्रकार जाते हैं वहाँ। चलिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देखिए अब वहाँ पहुँच चुके हैं, और आप देख रहे हैं वीडियो में हमारी नाव वहाँ तक आती हुई। सभी गौसेवक कुछ किनारों पर इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं, और हम भी नाव में आते हुए। आप देखिए किस प्रकार करेंगे उसका रेस्क्यू। और हम गाय के पास पहुँच रहे हैं। देखिए दोनों तरफ नदी है, बीच में गाय फंसी हुई है। पहले इस तरफ थी, इधर काफ़ी ऊंचाई है, और हम गाय को बांधेंगे और उसको देखते ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। निकल आए तो ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ खड़ी दीवार सी है जो मिट्टी की है। नदी काफ़ी गहरी है, और आप देख रहे हैं किस प्रकार गाय को खींच रहे हैं। आओ फिर ऐसा करते हैं, ठुठुकी गाय बैठे हैं, चलो हम उसके रस्सा डाल लिया है, और आप भी उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रही। अब हम उधर से कुछ लोगों को लेकर आएंगे, जिससे गाय को ऊपर खींचेंगे। जाल कौन को, दूसरे को जाल फंसे हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पानी में पत्थर नहीं लगे तो नहीं, चलो फिर और का टैटू ही चली जाई। हम उधर अन्य गौसेवकों को मैयो लगैया, वो घूम घूम के हमारी नाव में कुछ जाल फंस गया, देखिए उसको निकाल रहे हैं। का बतवा का तुम पे कछु ऐसी है, वैसी है। तो लोड ले देखिए गाय को ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन गाय खींच नहीं रही, और मिट्टी भी ऐसी एकदम सीधी, तो खड़ी घाटी पे गाय नहीं चढ़ पा रही। अब इस गाय को हम घुमाकर नदी में उसको बांध कर ले जाएंगे उधर जहाँ पार है। तो आप जब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ला रस्सा दे, चलो ला छोड़ो रस्सा, ला इधर भी निकाल लेते हैं। डारियो डारियो जा, रस्सा ले ले पकड़। आप देख रहे हैं किस प्रकार गाय ठंड में ठुठुर कर वहीं खड़ी रह गई है, वहाँ से हट नहीं रही, चिघ नहीं रही। काफ़ी लोगों को वहाँ इधर उधर से ले आए, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी गंभीर हालत है बेचारी की।
आप सभी की मदद से अब गाय को हम घुमा कर लेके आते हैं और वहीं इसको निकालेंगे। अब हम गाय को पार पर ले आए हैं और आप देखिए गाय बिठाल दी है, लेटी गई है, अभी थोड़ी देर बाद बैठ जाएगी और गाय को उठाकर हम वहाँ से ऊपर ले जाएंगे। नदी में से गाय को निकाल रहे हैं और हमारे साथ सत्यवीर जी, उमाशंकर जी और भैया का नाम है जिनको अजय भाई। देखिए गाय के लिए ठंड से बचाने के लिए आग भी जला दी है, वहीं रख दो आग ही। जैसे नदी में से सुरक्षित निकाल लिया है, जा ऊपर डाल दो, एक ते पहुंच दो, नहीं होता जलाओ ताते, गीली रखिए, कींच लगी तब पहुंच दो, रगड़ दो, छिले गई नेक साथ जी गिट्टी में है मछली ने, सही कह रहा, मछली ने उगाई होगी वहां नदी में। तो जा बोरी दे दो बोरी, आप देख रहे हैं सामने नदी है और चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल खेती खेत है। 3-4 किलोमीटर पास में एक पुरा है, तुत्त का पुरा बोलते हैं जिसे, वहाँ के हमारे साथ अजय भाई और सत्यवीर भाई और हमारे गौसेवक उमान शंकर जी जो यहाँ है, और आप देख रहे हैं गाय के लिए उचित व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए चारा, पानी, ठंड से बचने के लिए आग। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय। गौ माता, राष्ट्र माता।